हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स और चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम एंड एलजेब्रा, और उसका पार्ट है पार्ट नंबर 22। हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स को, तो क्वेश्चन देखेंगे पार्ट नंबर 22 में। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, जिससे कि इसमें आने वाले जो क्वेश्चन है वो हम आसानी से कर पाए। क्या है कंसेप्ट देखिएगा, आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर ए होता है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको याद रखना है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू होगा, और अगर माइनस है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस टू होगा। तो ये तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए है तो आपको पता रखना है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना होगा, रूट ऑफ ए प्लस टू, और x माइनस वन बाई एक्स कितना होगा, रूट ऑफ ए माइनस टू। अब क्यों होगा उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि x प्लस वन बाई एक्स आपको रूट ऑफ ए प्लस टू कह रहा है, और x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस टू कह रहा है, तो अगर आप देखें x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 by x, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस का 2 बचा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी a, तो यहां आप a रखेंगे, तो अगर आप देखेंगे x plus 1 by x निकालना चाह रहे हैं तो x plus 1 by x निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर आप देखेंगे किसके बराबर है, a plus 2 के बराबर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो यही आपको कहा गया है सीधा सीधा यहां। और वैसे ही अगर ये देखेंगे तो इसी के लिए हम देखें तो आप a माइनस बी मतलब x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस की जगह क्या होगा माइनस का 2ab मतलब 2x 1 बाई एक्स, अगेन ये कटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा और इसकी वैल्यू a, तो आप पहुंचेंगे रूट ऑफ a माइनस टू पर। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ए पता हो तो एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू कर दीजिए, और एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस टू कर दीजिए। क्यों, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पर आधारित, इस पर जो बेस क्वेश्चन है उनके ऊपर, तो देखते हैं। तो फाइनली आपने ये कंसेप्ट समझा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आपका ए हो तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि x प्लस वन बाई एक्स जो है वो होगा हमारा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू, और x माइनस वन बाई एक्स होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस टू। ये हमें याद रखना है और एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 93। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93। ये क्वेश्चन का आंसर वर्बली हो सकता है, मौखिक रूप से हो सकता है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना है, 13 है। क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स पूछ रहा है, तो आपको पता है उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो अभी हमने समझा है कंसेप्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है आपके पास कितना, 13, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 13। क्या पूछा है, प्लस का पूछा है, तो प्लस का पूछा है तो डायरेक्टली आंसर आप बता सकते हैं बिना लिखे, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू। तो 13 प्लस 2 करेंगे कितना, 15, तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ए प्लस 2, तो आंसर आया रूट 15। जो पूछा था उसी का आंसर आया कितना, रूट 15, जो कि डायरेक्टली बता सकते हैं ये रहा आपका कंसेप्ट। और ये क्यों है वो भी मैंने बताया आपको, क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो क्या होता है, यही होगा, ये तो कट जाएगा, इसकी वैल्यू है कितनी a, तो a प्लस टू, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट ऑफ a प्लस टू, किसकी वैल्यू, x प्लस वन बाई एक्स की, वही तो ये कह रहा है, और जब माइनस में होगा तो माइनस टू आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आगे की। अब आगे आपका क्वेश्चन हमने देखा जस्ट अभी, इसका तो आंसर आ गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 13 था, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स आ गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू, तो 13 प्लस 2 15, रूट ऑफ 15 ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 आपको गिवन है कितना 23, तो आप यहां पर x प्लस 1 बाई एक्स भी निकाल सकते हैं और x माइनस 1 बाई एक्स भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब दोनों ही पूछ रहा है, पूछा तो कुछ नहीं है वैसे, पर अपन दोनों ही निकाल लेंगे। तो x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 23 है, तो पहले तो आप जाएंगे किसमें, स्क्वायर में, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकलेगा क्या रूट ऑफ 23 प्लस 2, क्योंकि प्लस वाला निकाल रहे हैं तो प्लस 2 होगा, a की वैल्यू कितनी है 23 है, तो पावर 4 से पावर 2 पर आ रहे हैं, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें पावर 2 से पावर 1 पर आ रहे थे, तो प्लस 2 23 और 2 25, रूट 25 ये कितना हो गया 5। तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया कितना 5। अब आप इससे निकाल सकते हैं प्लस और माइनस दोनों ही, वैसे ही जैसे 4 से 2 पर आए अब 2 से पावर 1 पर चले जाते हैं, तो प्लस वाला निकालना है तो क्या होगा रूट ऑफ 5 प्लस 2, आंसर हो गया रूट 7। और अगर माइनस वाला निकालना है तो रूट ऑफ 5 माइनस 2, तो आंसर हो गया रूट 3। ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। तो इसका मतलब 4 पावर से पहले 2 पर आए और फिर 2 पावर से 1 पर आए, तो यही पूछा था आपको, तो दोनों आ चुका है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी, वर्बली मौखिक रूप से भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा। सेम वही हिसाब है जो पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें वैल्यू 23 थी और यहां है 322, मतलब 322, 322। पूछ क्या रहा है, वही x प्लस 1 बाई एक्स बताना आपको और x माइनस 1 बाई एक्स आपको बताना, दोनों ही बताने तो दोनों ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो पावर 4 है, तो पावर 4 से हम आ जाते हैं किस पर, पावर 2 पर, क्योंकि जब पावर 4 पर जाना होता है तो स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, तो आपको पावर 1 पर आना है, तो 4 से 2 पर आएंगे फिर 2 से 1 पर आएंगे, तो पहले पावर 2 पर आ जाते हैं, प्लस वाली ही काम में लेनी है, तो क्या होगा स्क्वायर रूट 322 प्लस 2 कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 324, 324 जो कि होता है 18 का 18 का, तो ये आ गया बराबर 18। तो मैं कह सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 18। लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सब वर्बली हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो 18 आ गया, प्लस और माइनस दोनों निकालने हैं तो निकल सकते हैं, प्लस निकालना है तो प्लस निकाल लेते हैं पहले, तो ये निकला आपका प्लस, कैसे रूट ऑफ 18 प्लस 2 कितना हो गया रूट ऑफ 2020। अगर और इसको आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं 20 को, तो 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 बार चला जाएगा तो 2 रूट 5 ये हम कह सकते हैं। वैसे ही अब माइनस वाला निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स वो आ गया क्या स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 2 कर लेंगे, तो 18 माइनस 2 कितना हो गया 16 और रूट ऑफ 16 की वैल्यू होती है कितनी 4। तो हम कह सकते हैं कि प्लस वाला आ गया कितना 2 रूट 5 और माइनस वाला आ गया कितना 4। ये दोनों ही पूछे थे और दोनों ही आंसर हम निकाल चुके हैं, जो कि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्बली किया जा सकता है, क्योंकि सारा हम कंसेप्ट पर ही कर रहे हैं, फॉर्मूला कोई नहीं लगा रहे हैं और सारा कंसेप्ट हमने समझ रखा है। तो प्लस वाला आ गया ये रहा और माइनस वाला आ गया ये रहा, रूट ऑफ 20 था तो 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो वो बन गया 2 और अंदर 5 एज इट इज रह गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 95। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। यहां से अब थोड़े से आपके क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, x प्लस 1 बाई एक्स 3 है, x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछा है, तो आप देखेंगे ये आपको पूछा है तो एक तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब x प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स ये आपको निकालना है, प्लस है आपके पास तो लिख लीजिए प्लस की वैल्यू कितनी 3।
माइनस आपको निकालना है x माइनस वन बाई एक्स, तो कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर स्क्वायर आ गया तो प्लस और माइनस दोनों निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे पहले तो आपको ये पूछा गया था एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह इसको देख सकते हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वन बाई एक्स तो तीन है, तो वैल्यू रख ली हमने। एक्स माइनस वन बाई एक्स आपको निकालना है तो वो निकाल लेते हैं कहां से, ये जो दे रखा है यहां से, पहले इसका करते हैं स्क्वायर, ये लीजिए कर दिया इसका स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर कितना, नौ, नौ में से दो कम होगा तो कितना बन जाएगा ये सात। और ये कहां से डायरेक्ट हमने कर लिया, जो पिछले पार्ट्स में वीडियोस है उसमें हमने ये एक्सप्लेनेशन देखा और इस पर कई क्वेश्चन हमने किए हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर ए होता था तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस टू होता था, तो तीन का स्क्वायर नौ माइनस दो कितना सात। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ गया, तो अब एक्स प्लस वन बाई एक्स भी हम निकाल सकते हैं और एक्स माइनस वन बाई एक्स भी हम निकाल सकते हैं। वैसे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, और निकालेंगे तो सात और दो कितना नौ, नौ का स्क्वायर रूट करेंगे तीन, तो वो तो दे ही रखा है। लेकिन एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालने की जरूरत है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या हो गया यहाँ से, x माइनस वन बाई एक्स हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस कितना टू। कहां से हुआ ये, इस वीडियो के स्टार्टिंग में कंसेप्ट हमने समझा है, तो ये हो गया सेवन माइनस टू कितना रूट ऑफ फाइव। तो आपको जो पूछा था वो आंसर आ गया, थ्री का रूट फाइव से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फाइनली आंसर आ गया थ्री रूट फाइव। तो ये क्वेश्चन भी वर्बली मौखिक रूप से किया जा सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पूछा था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस वाली वैल्यू है तो रख ली तीन, माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर किया तो ये मिला, फिर स्क्वायर आ जाने पर प्लस और माइनस दोनों निकाल सकते हैं, प्लस तो दे रखा है तो निकालिए मत, माइनस नहीं दे रखा तो वो निकाल लिया रूट फाइव, तो थ्री और रूट फाइव का मल्टीप्लीकेशन आंसर आ गया थ्री रूट फाइव। ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू फोर है, x पावर फोर माइनस वन अपॉन x पावर फोर। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, जो पूछा है उसी को, x स्क्वायर का होल स्क्वायर वन अपॉन x स्क्वायर का ये भी होल स्क्वायर। देख लीजिए टू और टू का मल्टीप्लीकेशन फोर बन रहा है, टू और टू का मल्टीप्लीकेशन अगेन फोर ही बन रहा है। तो इसको हम a समझ लें, a का स्क्वायर माइनस ये पूरा b हो गया, इस b का स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है, तो लिखते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस तरह से क्वेश्चंस को, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से लिख लिख कर नहीं करना है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो ये वर्बली कीजिए और आप कर पाएंगे जब दो तीन क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, और अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप डायरेक्टली कर, अदरवाइज आप लिखेंगे करेंगे टाइम वेस्ट होगा, जबकि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस तरह के सवालों में। इसको हमने कर लिया स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो यहां से ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो डायरेक्ट हमारा कंसेप्ट है, चार का स्क्वायर कितना सोलह, सोलह में से दो कम करना है कितना चौदह। कहां से लिख रहा हूं ये सीधा, ये सीधा हमने देखे हैं क्वेश्चन पिछले वीडियोज, जस्ट पिछला नहीं, पिछले कई वीडियोज है उसमें हमने इस तरह के कई क्वेश्चन भी किए हैं। अगर x प्लस वन बाई एक्स ए होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू होता है, तो चार का स्क्वायर सोलह, सोलह माइनस दो कितना चौदह, तो इसकी वैल्यू तो आ गई कितनी 14। बात खत्म। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन दिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये तो 14 है ही है, प्लस वाली वैल्यू ये रही कितनी है 4, माइनस वाली वैल्यू हम निकाल लेते हैं कैसे, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, वन बाई एक्स स्क्वायर 14 है, तो यहां से अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स चाहिए तो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा है कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस टू, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना 12। तो सारी वैल्यूज आ गई, तो हमारा आंसर भी आ गया 12 है, और इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करना चाहे तो 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट के अंदर, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो 12 आकर क्या हो जाएगा 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट 3, ये आ गई वैल्यू यहां पर 2 रूट 3। फाइनली आपका आंसर भी आ गया
4 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कितना 8, 14 का 8 से करना है तो अगर आप 14 का 8 से करना चाह रहे हैं तो 10 का 8 से कर लीजिए 80 और 4 का 8 से कर लीजिए कितना 32, 80 और 32 को ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 112, तो फाइनली आंसर आ गया 112√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला आपको 112√3। ठीक है, आप देख रहे हैं इतना डिटेल में कुछ नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूं आप कर सकते हैं, बस आपको एक कंसेप्ट पता होने चाहिए कि ये डायरेक्ट 14 कैसे होता है। लॉजिकली हमने समझा है, कंसेप्ट वाइज हमने समझा है, फिर माइनस निकाला ये डायरेक्ट कैसे होता है ये आप समझ सकते हैं। ये पावर 4 था तो स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसकी वैल्यू हमने देख ली 14, फिर अगेन इसको प्लस और माइनस में लिख लिया तो जब स्क्वायर आ चुका है तो प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं, तो प्लस तो गिवन है तो 4 लिख लिया, माइनस ले लिया इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझा था उससे, तो फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन और आंसर आ गया 112√3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 97। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 के बारे में। आपको गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स कितना 3 और माइनस का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर के बाद में प्लस और माइनस दोनों मिल जाते हैं तो प्लस तो मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि वो तो पता ही है, माइनस जरूर निकाल लूंगा। अब इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं आप तो 3 का स्क्वायर किया आपने 9 माइनस 2 कितना 7, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 7। आपको चाहिए माइनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया 5, तो फाइनली आंसर आ गया √5 जो डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। कहां से हुआ, जो कंसेप्ट इस वीडियो के स्टार्टिंग में समझा वहां से और जो कंसेप्ट हमने पिछले वीडियोस में समझे थे वहां से, अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप वर्बली कर लेंगे, तो लिख कर देख लेते हैं ताकि सबको अच्छे से पता चल जाए। तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स 3 है तो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2 और ए है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कर लिया कितना हो गया 7। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 7 आ चुका है तो आप यहां से एक्स प्लस 1 बाई एक्स भी निकाल सकते हैं और एक्स माइनस 1 बाई एक्स भी निकाल सकते हैं। अब एक्स प्लस 1 बाई एक्स तो निकालूंगा नहीं क्योंकि वो तो दिख ही रहा है कितना 3 है और निकालू तो भी कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितना 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बिल्कुल वही है, लेकिन पूछा माइनस का है तो वो तो निकल चुका है तो x माइनस 1 बाई एक्स आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 जो कि होता है कितना 5, तो फाइनली आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 98, देखते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन 99। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 99 कह रहा है कुछ डिफरेंट है इसमें, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू कितना है 1 है, x की वैल्यू क्या होगी और रूट x की वैल्यू क्या होगी। x माइनस 1 बाई एक्स अगर 1 है, x और रूट x पूछा है तो अगर आप x निकाल लेंगे तो जो x का मान आएगा उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो रूट x भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, x का मान निकालना हमें, स्क्वायर रूट तो हम कर लेंगे तो रूट x भी निकल जाएगा। तो x माइनस 1 बाई एक्स कितना दे रखा आपको 1, x माइनस 1 बाई एक्स अगर आपको 1 दे रखा है और x प्लस 1 बाई एक्स अगर मैं निकालू फिर दोनों को ऐड कर लू तो x जरूर मिल जाएगा, तो कैसे आएगा x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स निकालना तो x माइनस 1 बाई एक्स है आपके पास 1, तो x प्लस 1 बाई एक्स आप निकाल सकते हैं जो कि मिलता है इस फॉर्मूले से, अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे आया ये फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बचेगा प्लस का 2, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 बचेगा, ये माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 और ये 2 कितना आता है इक्वल्स टू में 4 आता है। तो मैं देख सकता हूँ x माइनस 1 बाई एक्स कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स आपको चाहिए तो अब आपका x प्लस 1 बाई एक्स आ गया, 1 का स्क्वायर कितना 1, उधर गया तो 4 प्लस 1 कितना 5, इधर से स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट हुआ तो कितना आ गया रूट 5, इसका मतलब x प्लस 1 बाई एक्स आ गया आपके पास रूट 5।
ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर जो अभी तक हमने कंसेप्ट समझा था उस वो कंसेप्ट लगाकर भी आप निकाल सकते हैं। तो फाइनली x प्लस वन बाई एक्स आ गया रूट ऑफ फाइव, चलिए, जो कि कहां से आया, इस वाले फॉर्मूले से। ये भी एक फॉर्मूला होता है एलजेब्रा में x और 1 बाई एक्स के लिए, ये इस तरह से फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकलता है। तो बस हमने इस बार ये फॉर्मूला लगा लिया, नहीं तो अभी तक जो कंसेप्ट थे वो भी लगा लीजिए, तो भी आपको x प्लस 1 बाई एक्स वर्बली मिल जाएगा रूट ऑफ 5। अब हमें निकालना x और रूट x, तो x निकलेगा तो उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो रूट x भी निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं x जो कि आ चुका है, देखते हैं कैसे। देखिएगा, ये है आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स कितना 1। x निकालना है तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुई एक तरह से और ये इक्वेशन हुई सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए तो x निकल जाएगा। तो इनको जोड़ना, इनको ऐड करना है, तो इसका मतलब माइनस 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स जुड़ेगा, माइनस 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0। तो ये तो जुड़कर कितना हो गया 0, x और x जुड़ेगा तो ये कितना हो गया 2x, और इधर अगर ये जुड़ेगा तो ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 5। x की वैल्यू लेनी है तो बाई 2, 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, x की वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। ये तो वैल्यू आई x की, तो एक तो आंसर आ चुका है जो पूछा था x, अब स्क्वायर रूट पूछा है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो x की वैल्यू तो आ गई आपके पास ये, अब स्क्वायर रूट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो x की वैल्यू आई है उसी का स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो ये कर लिया इसी का स्क्वायर रूट, तो दोनों ही आंसर आपके पास आ गए, x भी आ गया ये रहा और स्क्वायर रूट ऑफ x भी आ गया जो कि ये रहा। माइनस दे रखा था, प्लस हमने ले लिया, अब दोनों को ऐड कर लिया तो ये तो खत्म हो गया, माइनस और प्लस जुड़कर जीरो हो गया, x और x 2x, इनको ऐड कर लिया जुड़ गए, ये भी x निकालना था तो 2 नीचे चला गया, x आ गया, स्क्वायर रूट कर लिया तो स्क्वायर रूट x भी आ गया। ये था हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 100 से, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।